मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 10th. यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड द न्यू चैप्टर. द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, एंड आई एक्सप्लेन्ड यू मेनी टर्म्स लाइक सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, एपी. टुडे आई एम गोइंग टू रिपीट एपी. लिसन केयरफुली. व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? If the difference of any two consecutive terms are same, so that progression is called arithmetic progression. ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी सीरीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, अगर ये एक प्रोग्रेशन है, एक सीरीज़ है या एक सीक्वेंस है, तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए किस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा? इसका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, इसका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए. ओके, चेक करते हैं. कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? D इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री. इस तरीके से हम जो है सभी दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं कि क्या वो आपस में बराबर है या नहीं है. 5 माइनस 2, ओके, 8 माइनस 5 एंड 11 माइनस 8. तो हम पाएंगे कि सभी जो है आपस में क्या है, बराबर है. आप देख सकते हैं. तो जब इस कंडीशन को कोई भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन फॉलो करेगा, तो आप उस प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. यहाँ पे एक और नया टर्म हम लोग देख सकते हैं, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? ठीक है, द डिफरेंस, इफ द डिफरेंसेस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म आर इक्वल, सो दैट डिफरेंस is called common difference. Okay, I hope you got my point. And common difference is represented by D. Okay, and D is equal to what? Second term minus first term, third term minus second term, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एक्सेट्रा. इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस पता करेंगे. इसके बाद जो अगला टॉपिक है, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एपी. nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एपी. ओके, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एपी. दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आई होप यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन इन टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम द फर्स्ट टर्म, द कॉमन डिफरेंस एक्सेट्रा. लेट द फर्स्ट टर्म
एंड टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी ऑल्सो. सो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी. मान लिया हमने कि पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो इससे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा भाई? ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एक्सेट्रा. तो इस तरीके से हमारा सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म होगा. बट वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट टर्म और जनरल टर्म और एंड टर्म. तो इसको कैसे पता करें? बहुत आसान है. देखिए करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट टर्म टर्म्स को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैपिटल टी से. तो टी वन फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी. इसी तरीके से लास्ट टर्म यानी एंथ टर्म क्या होगा भाई? ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके, अभी हमको कुछ यहाँ पे पैटर्न को फोकस करना है. हम जिस भी नंबर के टर्म्स की बात कर रहे हैं उससे हम उसका प्रेडिसेसर सेलेक्ट कर रहे हैं डी के साथ. आप यहाँ देखिए थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस के साथ टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आप यहाँ सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, इसका मतलब कि हमको इस टर्म को यहाँ पर किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो टू को हम और क्या लिख सकते हैं? थ्री माइनस वन. थ्री माइनस वन गिव अस टू. ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम इस फॉर्मेट में सभी वैल्यूज को कैसे लिख सकते हैं. तो पहले को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस वन माइनस वन डी. वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो का मल्टीप्लाई डी से होगा तो ज़ीरो हो जाएगा और आपका केवल ए बचेगा. बट हमें इस फॉर्मेट को यूज़ करना था इसलिए हमने इस तरीके से लिखा. सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड टर्म को टू माइनस वन डी. थर्ड टर्म को लिखा जा सकता है थ्री माइनस वन डी. एंड लास्ट टर्म को लिखा जाता है एन माइनस वन डी. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. एन टर्म ऑफ ए पी इज़ ए प्लस एन माइनस वन डी. आपको इस फॉर्मूले को मेमोराइज रखना है. ओके, चलिए इसके बाद लास्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं. उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. लास्ट टर्म ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थमेटिक. अभी हम लोगों ने n टर्म शुरुआत से कंसिडर किया था, अभी हम लास्ट से कंसिडर करेंगे. ओके, nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द ए पी. लास्ट टर्म से अगर हमें कोई टर्म निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे? ओके, तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म मीन्स टी वन फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, एंड लास्ट टर्म यानी एंथ टर्म बी एल. आखिरी टर्म को हमने एल मान लिया. ओके, तो इससे जो प्रोग्रेशन फॉर्म होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो किस टाइप का होगा देखते हैं. ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डॉट डॉट डॉट. अब लास्ट में लिखते हैं लास्ट टर्म क्या होगा? एल. तो एल से पहले वाला टर्म क्या होगा? बहुत सिंपल है, उसमें से डिफरेंस को हम घटाएंगे. ओके, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ टू फोर सिक्स एट टेन. तो लास्ट टर्म यहाँ टेन है और फर्स्ट टर्म हमारा ए, लास्ट टर्म एल और कॉमन डिफरेंस टू है. तो फर्स्ट टर्म के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. टू प्लस टू फोर. ओके, एंड
टू प्लस टू इंटू टू क्या आएगा, सिक्स। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। जब लास्ट से पीछे आएंगे तब क्या करेंगे, तब हम माइनस करेंगे। टेन माइनस टू एट, ओके, फिर टेन माइनस टू इंटू टू सिक्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके का प्रोसीजर, यानी लास्ट से आपको लेफ्ट हैंड साइड में पीछे की तरफ आना है तो आपको माइनस करना है, आगे की तरफ बढ़ना है तो प्लस करना है, ओके। तब हम लिख सकते हैं लास्ट से पहले वाला टर्म L माइनस डी, उससे पहले वाला टर्म L माइनस टू डी, ओके। इस तरीके से हम जो है काफ़ी आसानी से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। बट इससे फॉर्मूला कैसे क्रिएट करें, चलिए देखते हैं। मान लेते लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, Tn से। लास्ट टर्म इज L, लास्ट से पहले वाला टर्म यानी Tn माइनस वन, लास्ट से पहले वाला टर्म मीन्स L माइनस डी, उससे पहले वाला टर्म N माइनस टू मीन्स L माइनस टू डी एक्सेट्रा, ओके। तो इस तरीके से जो है कि हमको अगर nth टर्म पता करना होगा, या इसको हम L से लिख देते हैं, अगर हमको nth टर्म पता करना होगा फ्रॉम लास्ट, तो कैसे करेंगे, L माइनस एन माइनस वन डी, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है। जब हमको शुरू से पता करना होता है तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो केवल फ़र्क क्या आ रहा है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब आपको प्रोग्रेशन या किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म दिया हो और उससे आपको किसी टर्म को पता करना हो, तो आप इस तरीके से पता करेंगे। अगर लास्ट टर्म दिया हो या लास्ट टर्म से कहा जा रहा हो कि पता कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले से पता करेंगे, ओके। जैसे इसको लिख सकते हैं आप एन टर्म के फॉर्म में, कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, एल माइनस वन माइनस वन डी, एल माइनस टू माइनस वन डी, L माइनस थ्री माइनस वन डी, सिमिलरली L माइनस एन माइनस वन डी। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर वन एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो किसी भी प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, वो है कॉमन डिफरेंस, यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज़ 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इससे जो है कि सीक्वेंस क्या बनेगा, इससे जो प्रोग्रेशन बनेगा वो बनेगा पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपया, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 15, फिर हर सेकंड टर्म में ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो 15 प्लस 8 अगले किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकंड किलोमीटर के लिए, या आपको और बेहतर से समझना है तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ और फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ फर्स्ट, फेयर ऑफ सेकंड, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। खैर मैं सीधे सीरीज लिखता हूँ, 15 प्लस 8, ओके, 15 प्लस 28 क्योंकि 2 किलोमीटर का हो रहा है, 15 प्लस 38 एक्सेट्रा। इस तरीके से हमारा प्रोग्रेशन बन रहा है। तो ये क्या होगा, 15
23, 31 and 39। अभी हमको चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। ओके, सो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन एंड ए थ्री माइनस ए टू, दो काफ़ी है चेक करना। व्हाट इज ए टू? 23 माइनस 15 एंड 31 माइनस 23, तो चेक करते हैं क्या आएगा। 8 इज इक्वल टू 8, यस यस, गिवन प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरीके से आप अपना जवाब देंगे। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन वन यू स्टूडेंट डू बाय योरसेल्फ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द टर्म्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन हैज गिवन ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10। सो हाउ कैन वी राइट AP? This is very easy. The required AP should be A, A plus D, A plus how many terms we need to write? First four term. A plus 2D, A plus 3D, dot dot dot. तो ये first four term हो गए. Okay. So what is A? A is 10. What is D? 10 plus 10. What is C? What is third term? A plus 10 into 10, okay, sorry, 10 plus 2 into 10, and next one is 10 plus 3 into 10, तो ये हमारा सीरीज फॉर्म हो जाएगा 10, 20, 30, 40 and so on, so this is our required AP, okay. I hope you got my point. Now, the second part of question number two. Second part, given that A is equal to minus 2 and D is equal to 0. A is equal to minus 2 and D is equal to 0. तो चेक करते हैं इससे जो है कि हम लोगों को लिखना है सीरीज। तो सीरीज हमारा क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेम कंडीशन फॉलो करेंगे, पहला टर्म यानी T1 कॉमा T2 कॉमा T3, फोर टर्म लिखने को T4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो T1 कैसे लिखते हैं? A यानी माइनस 2। T2 कैसे लिखते हैं? A प्लस डी यानी माइनस 2। T3 कैसे लिखते हैं? A प्लस 2D, तो 2 का D से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस 2, और ये भी हमारा क्या रहेगा? माइनस 2। ओके, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, कॉमन डिफरेंस जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हैं आप अपने से ट्राई करेंगे, बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड द फर्स्ट पार्ट इज 3, 1 माइनस 1 माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है For the following AP, write the first term and the common difference. Okay, दिए हुए AP में से हमें पहला term और common difference को पता करना है, तो this is very easy. What is first term? T1 is equal to A and A is equal to 3. Okay, so first term is 3. And how will we write common difference? D is equal to, minimum हम 2 time इसको जो है check करेंगे, means A2. माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। तो व्हाट इज ए टू? 1
माइनस थ्री और थर्ड टर्म क्या है माइनस वन माइनस वन. ओके सो ये आएगा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया माइनस टू. ओके सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज माइनस टू. फर्स्ट टर्म इज थ्री एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस टू. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. इसी तरीके से आप सारे जो है पार्ट चेक करेंगे, उसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस पता करेंगे. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. बुक्स आप लोग ओपन रखिएगा और स्कूल द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियो लेक्चर्स आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे जो है कि स्कूल किसी भी विषय से संबंधित जो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है बच्चे उस पर गौर या फोकस नहीं करते हैं. तो ये अच्छी बात नहीं है. टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जो है कि आपके भले के लिए आप देखेंगे आपका फ़ायदा होगा, आप नहीं देखेंगे आप अपना नुकसान करेंगे. ओके क्वेश्चन नंबर फोर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स. तो यहाँ पे दो बात हो रही है कि दिया हुआ जितना पार्ट है उसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा एपी है, और जाहिर सी बात है एपी होने के लिए हमें डी तो पता करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें तीन और टर्म लिखने हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16... ... तो हमें मालूम है अगर हमें इसे चेक करना है कि गिवन प्रोग्रेशन इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी पता करेंगे, यानी ए टू माइनस ए वन शुड बी इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू. ओके चेक करते हैं. फोर माइनस टू इज इक्वल टू एट माइनस फोर, सो डेफिनेटली टू इज नॉट इक्वल टू फोर. इट मीन्स गिवेन प्रोग्रेशन is not an AP. Why? Because common difference are not same. Okay. Similarly, कुछ और भी parts करते हैं, जैसे second part क्या है भाई, 2, 5/2, 3, 7/2. तो इसमें जो भी चीज़ें सबसे पहले आपको मालूम है एपी, अगर इसे पता करना है तो आप डी पता करेंगे. सो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू. ओके सो 5/2 - 2 इज इक्वल टू 3 - 5/2. ये क्या हो जाएगा 5 - 4/2 इज इक्वल टू 6 - 5/2. तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2. यस कॉमन डिफरेंसेस आर कॉमन, सो देयरफॉर दिस इज करेक्ट. ओके सो गिवन एपी गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी. अभी इसमें एक और पार्ट था, अगर एपी है तो थ्री मोर टर्म्स आपको लिखना है. चलिए लिखते हैं थ्री मोर टर्म्स. तो ये जो दिया हुआ उसको तो वैसे ही एज इट इज़ लिख लेते हैं 5/2, 3, 7/2. अभी क्या करना है इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे. सो 7/2 + 1/2. ओके अभी इसको ऐड करेंगे, चेक करते हैं क्या आ रहा है. तो ये आ जाएगा हमारा 7/1, 8/2. 8/2 को हम 4 लिख सकते हैं, तो 4 में फिर से हम 1/2 ऐड करेंगे. तो ये हो जाएगा 8, 8 + 1 - 9/2. तो 9/2 में हम फिर से 1/2 ऐड करेंगे. तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा हमारा 8/2, 8/2 का मतलब 4. ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 1 = 9, 9/2. और ये हो जाएगा 10/2 मीन्स 5. तो ये तीन मोर टर्म्स हो गए. बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आए तो आप जो है कि मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. ओके तो फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड. आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर.
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।